रात को सब्जी वब्जी काट कर हम लगभग 12 बजे के करीब सो गए थे, और वापस 2 बजे के करीब हम ये जो गन्ने हैं और ये साथ में जो कोसी का सामान वगैरह है ये सब कुछ लेकर, दौरा लेकर घाट की ओर निकल गए, और लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीब वहाँ पहुँच कर इसको वहाँ सेट करके पूरा पूजा वूजा इसकी करके सारे दीपक वीपक जला के अगरबत्ती वगैरह जला के, ये देखिए इस तरह से गन्ने को सेट वेट करके, और उसके बाद हम इसे वापस घर लेकर जाएंगे। और जो दौरा है यानी कि जो टोकरी है फलों से भरी हुई, प्रसाद से भरी हुई, उसको वापस सुबह अर्घ देने के लिए वापस लेकर आएंगे, और फिर सूर्य का देव को अर्घ दिया जाएगा। तो देखिए अभी सब कोसी की पूजा कर रहे हैं, पहले शाम को घर पे होती है, वापस इसे घाट पे लेके जाना पड़ता है, एक्चुअली नदी के किनारे लेके जाना पड़ता है, बट नदी की जो पानी का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो म्यूनसिपालिटी वालों ने इस बार अलाउ नहीं किया है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये देखने में। थोड़ी ही देर के बाद अब हम वापस ये दौरा वगैरह वापस लाकर और अब इसकी पूजा करेंगे। और देखिए एक लाइन से सारी जो पूजा करने वाली माताएं हैं वो सब सूर्य देव से प्रे कर रही हैं, ठीक है के मतलब अब लगभग एक सनराइज के टाइम पे अर्घ दिया जाता है। चंदन अब देखिए धीरे धीरे माताएं बहनों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और ये हमारी माता श्री, और ये भी देखिए कितने सारे लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं। तो ये लगभग सुबह के 3:30 4 बजे के समय का वीडियो है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों और अगर कोई क्वेरी होगी तो अगर 1-2 दिनों में कोई मैसेज आता है तो मैं डेफिनेटली मैं लाइव वीडियो कर दूँगा माँ के साथ, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सारे जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब भी रक्षा करते हैं, तो एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी दुकान के सामने, ठीक है। और धीरे 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 अर्घ का जो समय है वो शुरू हो गया था, और देखिए अब धीरे धीरे अर्घ देना शुरू कर दिया है। तो अर्घ में दूध के साथ अर्घ को दिलवाया जाता है, देखिए अब अर्घ देने का टाइम हो गया और सब अर्घ दे रहे हैं, ठीक है। और आज भी मतलब बड़ी बड़ी बसें जो थी वो आ रही थी बार बार, जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, मतलब क्या कर सकते हैं, नेचुरल क्लाइमेटिक के सामने तो हमारा क्या ही है। पहले रिवर पे ही होता था बट अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बट इट्स ओके। यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी पास ही है, तो इधर उधर जाना नहीं पड़ता। तो अब धीरे धीरे उजाला होने लगा है, देखिए उजाला हो गया है और बहुत जल्द सूर्य देव निकलने वाले हैं, तो सब लोग अर्घ दे रहे हैं, ठीक है। और वो देखिए उधर फुलझड़ी वगैरह और अनार वगैरह जला रहे हैं, बहुत सारे पटाखे हमने भी जलाए थे बट वीडियो बनाने का उतना इवेंट नहीं बन पाया।
ये देखिए, ये एकदम छोटी सी प्यारी सी जो भतीजी है वो भी आई हुई है। तो ये है हमारी प्यारी सी भतीजी जो सुबह सुबह आ गई थी छठ में। सुबह 4 बजे ही आ गई थी ये, तो काफी प्यारी लग रही थी आज भी। और ऐसे पूजा वगैरह में ये काफी अच्छी सिंसियर रहती है, परेशान कम करती है। और देखिए सब प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य देव से, लगभग लगभग सब। और ये है हमारा छोटा भाई, ठीक है, जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला है। और कैमरा इसी के हाथ में था क्योंकि मैं किसी और काम में व्यस्त था। तो देखिए उधर वो रहे हमारे संत भाई जो अर्घ दे रहे हैं और कैमरा देख के पोज भी मार रहे हैं, ठीक है। अब फटाफट सबका अर्घ दिलवा के होते हैं फ्री। फिर ये सारा सामान लेकर वापस घर आना है, और घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह करके वीडियो करेंगे अपलोड। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।